कौनैन में निराला मेरा हुसैन है, कौनैन में निराला मेरा हुसैन है, क्या खूब शान वाला मेरा, क्या खूब, सारे मुंह खोलिया करो, क्या खूब शान वाला ये दीन की बहारे आपकी बदौलत, ये दिल की बहारे आपकी बदौलत, इस्लाम का उजाला मेरा, सलामत रहो, इसे तरह प्यार देना आखो, मेरा हुसैन है इस्लाम का उजाला, इस्लाम का उजाला, आगोश आगोश मुस्तफा में पल कर जवान हुआ, आगोश मुस्तफा में पल कर जवान हुआ, जहरा का नाज पाला मेरा, ऊंची दराय आखो, जहरा का नाज पाला मेरा, जहरा आवाज आए जरा, जहरा का नाज पाला नस्लों से मुस्तफा की आल का, नस्लों से मुस्तफा की आल का गुलाम, नस्लों से मुस्तफा की आल का गुलाम, नस्लों से मुस्तफा की आल का गुलाम, नस्लों सुनिया विचारियां अजे तक जा, अज सफकत साहब सुनिया जाच नहीं आई कि अपने मालकां दा जिक्र एंज मूह घुट के सहमी कौम बैठी होंगी है, जिमें बेचारे असल जुमा टपाण आए होंगे ने, मजबूरी इन्हां दी जिन्हां जौके हुसैन लैके बैठे, उन्होंने पता मेरे मालक का जिक्र हो रहा, मैं सुनना किवें, नस्लों से गुलाम, नस्लों से मुस्तफा की आल का गुलाम, अहमद
अहमद मेरा हवाला, अहमद मेरा हवाला, मुखलो अहमद मेरा हवाला, मेरा हुसैन जिन्ना तो है वो मुंह खोलो बाकी रहन दो, अहमद मेरा हवाला मेरा, आवाज नहीं आई इधर ऊंचा कहना, अहमद मेरा हवाला मेरा हुसैन है, हुसैन 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 नस्लो नस्लो से मुस्तफा की आल का गुलाम, नस्लों से मुस्तफा की, राशिद साहब ने बड़ी समझ आई, पता क्यों, एक गुलाम सैयद दे जिस गुलामी दिती उन्हें पता है, चलो खाली गुलामी दिती नहीं, जिन्हों गुलामी दे के मालक लब्बा है, तवज्जो है, नस्लों से मुस्तफा की आल का गुलाम, नस्लों से मुस्तफा की आल का गुलाम, अहमद मेरा हवाला, अहमद मेरा हवाला, मेरा अल्लाह ताला दी हमद सना तो बाद अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ईमान वाले नाल खिताब फरमाया, तनवीर भाई आप इतने जान, अल्लाह करीम ने इस आयत के अंदर तवज्जो आप मेरे वाल है, ईमान वाले दे नाल अल्लाह ने खिताब फरमाया, फरमाया ए ईमान वाले हो, अगर तुहाडे ते कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, इस्ताईनु मदद मंगया करो, थोड़ा जा नम होके बव्या करो, मेहरबानी की मंगया करो, नहीं उची तरह की मंगया करो, कदों जदों कोई मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो मदद मंगया करो, याल्ला मदद किदे कोलो मंगीए, फरमाया मैं तेनु कुरान दिता है ना, फरमाया मैं तेनु कुरान दिता है ना, कुरान च वेख कि मैं किदे ते हुक्म दिता है, फरमाया इस्ताईनु अगर कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो मदद मंगो, याल्ला किदे कोल, फरमाया बिसबर, सबर कोलो मदद लवो, थोड़ा जा मसला है, सुर दे गाक ते इंतजार कर देने के सुर कदों लगेगी, तुसी कन खड़े कर लेंगे, ते तुसी जरा जेड़ कदी कदी सुर दी डिमांड नहीं, कोई इलमी गल भी सुनना आ जाया करो, मेहरबानी, ताकि फिर बाद ए तुहानू कोई पुछ जाए ते तुसी मौलवी ते पा देंदे हो सारी गल, फरमाया सबर कोलो मदद मंगो, वस्सला और नमाज कोलो मदद मंगो, आज शफकत साहब दे नाल मेरे बरादर मुकर्रम आप तशरीफ ले आए,
जनाबे मेरे बरादर मुकर्रम भाई यासर मदनी साहब आप भी तशरीफ ले आए। मैं इदारा कमरुल इस्लाम खान का मुहम्मदिया शरीफ के अंदर खुश आमदीद कहना। मैं एक बात अर्ज करना चाहना कि तुहाडे मेरे मुआशरे के अंदर इर्द गिर्द क्या कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं जेड़े हर वक्त ये रौला पाते ने कि जदों भी मंगना है ना अल्लाह को मंगो। नहीं यार सिर नहीं जुबान ला के जवाब देनी है। आ जी अगली सफ है ना ये बिल्कुल ढिले ना बव्या करो यार बड़ी मेहरबानी फिट होके बव्या करो। खानदाना च भी मौजूद ने ते महल्या च भी ते बरादरी च भी ते यारां दे दायरे च भी मौजूद ने। डॉक्टर साहब दसर भाई की कहणगे जदों मंगना ना जी अल्लाह कोलो मंगो अल्लाह कोलो मंगो जदों मंगना अल्लाह कोलो मंगो। गल गलत नहीं देन वाली जात जिन्हां नूं लभदा पिओ बोलो बाकी रहण दो देन वाली जात अल्लाह मालक खालक उच्ची तरह कहना मालक खालक राजक माबूद इबादत दे लायक सजदे दे लायक तारीफ दे लायक तमाम तारीफां दे लायक अल्लाह अल्लाह को लो मंगो। पर ओदा अंदाज़े बेनियाजी वेखो और रब होके प्यांदा है ये बंदा होके आंदा है अल्लाह को लो मंगो और रब होके प्यांदा है जे कोई मुसीबत आ गई या ते सबर को लो मंग। वह आंदा है सबर को लो मंग ते निमाज को लो मंग ये आंदा अल्लाह को लो मंगो। अल्लाह फरमांदा है सबर को लो मंगो मननी की दी दे जेड़ा मनदा याद ना करा करो मननी की दी है अल्लाह दी। अल्लाह फरमांदा है सबर को लो मंगो ये आंदा अल्लाह को लो मंगो। हुण ईमानदारी दे नाल आंदा गैर अल्लाह को नहीं मंगना चाहिदा। फुलां दे दरवाजे ते भाई जवाहर साहब फुलां दे दरवाजे ते ना जाओ फुलां दे दरवाजे ते ना जाओ ते मैं क्या मैनू ये दस तू आना गैर अल्लाह को नहीं मंगना चाहिदा ते ऐ जेड़ा सबर है ये अल्लाह के गैर अल्लाह ऐ जेड़ा सबर है ये अल्लाह जिन्हें पता वो जवाब जाए सबर अल्लाह सबर अल्लाह ते निमाज ये अल्लाह निमाज भी गैर अल्लाह ते सबर भी गैर अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा कोई मुसीबत आ जाए ते सबर को ले मंगो निमाज को ले मंगो। कोई वली ये आता कोई वली कोई नबी नहीं दे सकता। मैं क्या यार एवें कूड़ ना मारिया कर कदी कदी कुरान आप भी पढ़िया कर एवें टकोसले मारी जाना है। अल्लाह फरमाता है मुसीबत आ जाए ते निमाज को लो मंगो। हुण तुहाडी मर्जी है सुनियो शेर ला के जवाब देना है या प्यार दे नाल ईमानदारी दे नाल दसो जे निमाज बंदे दी मुसीबत विच मदद कर सकती है ते जिस मुहम्मद ते निमाज आई है ओ क्यों नहीं मदद कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ओ जात क्यों नहीं मदद कर सकती। अगली बात फिर साडे मुआशरे च दो चीजां ने मुसीबत आ जाए साबर भी लोग बड़े होंदे ने ते निमाजी भी बड़े ने साबर भी बड़े ने ते निमाजी भी बड़े ने लेकिन इत्थे दो जमातां बन जांदियां ने आके कई लोगों ने जिन्हां ते मुसीबत आ जावे ते उह सबर ते बड़ा करदे ने लेकिन नमाज नहीं पढ़दे। हाजी साहब नमाजी नहीं होंदे लेकिन कई नमाजी बड़े पक्के ने ते साबर नहीं होंदे ते चलिए फिर जरा करबला दे टिब्बे ते इस गल नूं याद भी रखना नाल कई साबर होंदे ने पर नमाजी
पर बोलो ना, पर निमाजी ते कई निमाजी होंदे ने ते साबर नहीं होंदे, पर करबला दे टिब्बे ते अली दे लाल ने दसिया सबर करके भी विखाया, निमाज पढ़ के भी विखाई, जमाने नु दसिया ना हुसैन दिया साबर मिलेगा ना हुसैन दिया निमाजी मिलेगा।